नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए रोहिंटन मिस्ट्री की लिखी हुई फेमस शॉर्ट स्टोरी स्विमिंग लेसन्स की समरी लेके आया हूँ। स्विमिंग लेसन जो है ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू देता है। इसके अलावा इसमें थर्ड पर्सन के रूप में जो इसका मेन करेक्टर है केरसी, इसके फादर के पॉइंट ऑफ व्यू को बताया जाता है। केरसी क्या है, अभी टोरंटो में रहकर जॉब करता है, जबकि इसके मदर और फादर बॉम्बे में फिरोज शाह बाग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, और ये उनको लेटर लिखता है। उन लेटर्स के थ्रू हमें आगे का पता चलता है। सबसे पहले ये उनको कुछ लेटर्स लिखता है, उसके बाद उनको अपनी स्टोरी की मैन्युस्क्रिप्ट भेजता है, फिर उससे सारा डिस्कस करता है। बाकी ये जो सारी स्टोरी है ये टोरंटो के डॉन मिल्स सबर्ब कॉम्प्लेक्स में होती है। इसकी इसकी जो एलिवेटर लॉबी है, इसके पार्किंग लॉट में या उस स्विमिंग पूल में जहाँ पर हमारा हीरो केरसी स्विमिंग लेसन लेने जाता है, ये लोकल हाई स्कूल का स्विमिंग पूल है। मेन इसके अंदर जो सेटिंग है वो इसकी मेमोरी है, ये सारा कुछ अपनी मेमोरी में करता है। एक्चुअली ये क्या करता है केरसी, ये टोरंटो के अपने नए इन्वायरमेंट को बॉम्बे में अपने पुराने इन्वायरमेंट, जिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जिसका नाम फिरोज शाह बाग है, जहाँ वो रहता था, बड़ा हुआ, पला बड़ा था, वहाँ से कंपेयर करता है। जैसे स्टार्टिंग का सीन ही लीजिए, स्टार्टिंग के सीन में ये एक ओल्ड मैन के बारे में बताता। इस ओल्ड मैन का हमें नाम नहीं बताया जाता। ये ओल्ड मैन जो है वो लॉबी में बैठा हुआ लोगों की वेट करता है ताकि वो उनसे कुछ बातचीत कर सकें। वो लोगों से उनकी अपनी उनमें क्या करता है बातचीत बातचीत के लिए, ये बुजुर्ग आदमी उनसे पूछता है, बताओ मेरी उम्र कितनी है। तो उसी से केरसी को अपने दादाजी की याद आती है जिन्हें पार्किंसन की बीमारी थी। वो अपने कॉम्प्लेक्स के वरांडा में बैठकर आने जाने वाले लोगों से बातचीत किया करते थे। ओल्ड मैन के बाद ये यहाँ पे एक पीडब्ल्यू पुर्तगीज वुमेन के बारे में बताता है, फिर अपने बारे में कुछ बातें बताना स्टार्ट करता है। जैसे कि ये बताता है कि सर जिस सबर्ब में ये रहता है वहाँ पे पार्किंग लॉट में दो लेडीज बिकनी में बैठी हुई सन बात कर रही हैं, सूर्य स्नान कर रही है, धूप में बैठी हैं, तो वो वहाँ उनके नज़दीक जाता है। दूर से तो इसको वो सुंदर लगती हैं, लेकिन जब नज़दीक जाता है तो वो उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं, वो ओल्ड एज लेडीज होती हैं। तब उसे अपने स्विमिंग लेसन्स याद आते हैं जो जिनके लिए उसने पैसे भरे थे, तो उसे पूल रजिस्ट्रेशन डेस्क की वो अटेंडेंट याद आती है, जिससे वो कहते अरे तुम्हें तैरना नहीं आता है, और फिर वो बताती है कि मैंने कभी साइकिल चलाना नहीं सीखा लेकिन मुझे तैरना आता है। फिर इसको स्विमिंग वाटर का बाकी धार्मिक रिलेट फेस्टिवल जो कि कनाडा आने से पहले इसने जिनको जिनमें इसने भाग लिया था वो सब याद आते हैं। वो अपने नए खरीदे हुए स्विमिंग ट्रंक्स की बात करता है, और फिर वो एक सेक्सुअल फैंटसी में चला जाता है कि वो कहता है कि जब मैं लेसन सीखने जाऊंगा यहाँ पे लेसन सिखाने वाली जो कोच है वो लेडीज है, तो उससे वो अपनी कल्पनाओं के बारे में सोचता है। इसके बाद में वापस नरेटर इंडिया शिफ्ट हो जाता है, उसका माइंड इंडिया शिफ्ट हो जाता है क्योंकि इसके पेरेंट्स जो हैं वो कनाडा में अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद में वो यहाँ पे वो बार्था के बारे में बताकर स्टोरी का फर्स्ट सेक्शन एंड कर देते हैं। बार्था एक बिल्डिंग सुपरिनटेंडेंट है जो कि अपने बेटे पर चीख रही है क्योंकि उसका बेटा वैन की पार्किंग लॉट में खड़ा है। वो उसकी लैंग्वेज को और अब उसकी फैमिली के जनरल बैकग्राउंड को बताता है कि कैसे बार्था बहुत मेहनत करती थी, उसका हस्बैंड का फैक्ट्री वर्क के बारे में बताता है, उसके हस्बैंड फैक्ट्री में काम करते हैं और कभी कभी दारू पीते हैं और बेटा कोई काम नहीं करता। यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन खत्म होता है, सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है जहाँ नरेटर जो है अपने पहले स्विमिंग लेसन के बारे में बताता है।
तो स्विमिंग लेसन के बाद जब ये स्विमिंग करने जा रहा होता है तभी वहाँ पे कुछ टीनेजर जो है इसके ऊपर कुछ बायगोटिक कमेंट्स करते हैं, कुछ जातीय टिप्पणी करते हैं जिसके बारे में रोहिंटन मिस्ट्री ज़्यादा नहीं बताता है। इसके माइंड में तो वही बातें चल रही हैं कि लेडीज कोच होगी और मेरे हाथ लगाएगी और मैं सोचूंगा, ये सब कुछ चल रहा है। और जैसे ही वो लेडीज कोच इसको सिखाना स्टार्ट करती है तो ये उसके क्या है कि उसके ये उसके पब्लिक हेयर्स को पानी में में तैरता हुआ सा देखता है कि वो जो उसके पब्लिक हेयर है वो सूट के किनारों से निकल आए हैं। ये हाई पॉइंट होता है जब उसे वो कहा जाता है कि अब तुम डीप एंड पर जाकर पैडल करो। उसके बाद में दूसरा लेसन स्टार्ट होता है तो ये बड़ा निराश हो जाता है क्योंकि उस लेडीज ने अब अपने पब्लिक एरिया को शेव कर लिया है और अब वहाँ से कुछ नहीं दिखता, तो ये उस लेसन को छोड़ देता है। फिर केरसी के पेरेंट्स को कनाडा से एक पार्सल मिलता है। ये ज़्यादातर बातें अपने लेटर्स में लिखता नहीं होता, ज़्यादातर ये बातें लिखता नहीं होता तो इसके मम्मी पापा बड़े टेंशन रखते हैं। फ़ोन पे भी ये ज़्यादा बातें नहीं करता होता। जब लेटर मिलता है तो माँ बाप हैरान हो जाते हैं क्या है कि वो कहते हैं कि रहता तो टोरंटो में है, स्टोरी सारी बॉम्बे की लिख रहा है। लास्ट स्टोरी उसकी यही है स्विमिंग लेसन। तभी टोरंटो में बार्था जो है वो क्या करती है कि उसका बेटा जो है वैन पर काम करना बंद कर देता है क्योंकि ठंड बहुत हो गई है। बिकनी लेडीज जो है वो लॉन्ड्री में कैरसी को मिलकर उसे फ्लर्ट करती हैं। वो जो बूढ़ा आदमी है उसे एक ओल्ड मोबाइल पर एक घुमाया, उसका बेटा उसको घुमाता है। और पोर्तुगीज वूमन सब चीज़ों पर नज़र रखती है। ठंड बढ़ती जाती है और पूरा अपार्टमेंट ठंडा हो जाता है। बार्था जो है वो आकर बर्फ को साइड करती है। बूढ़े आदमी को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। बार्था के हस्बैंड और उसका बेटा उसे छोड़ देते हैं। बूढ़ा आदमी ठीक होके वापस आ जाता है। और इधर बॉम्बे में फिरोजशाहबाग में केरसी के पेरेंट्स जो हैं वो कहानियों को पढ़ते हैं। उन्हें वो कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, उन्हें बहुत गर्व होता है। हालांकि फादर सोचता है कि तूने ना बेकार के लोगों पे ज़्यादा फोकस किया। और उसकी माँ सोचती है कि ये मेरा बेटा बड़ा होमसिक हो गया क्योंकि इसने सिर्फ बॉम्बे के बारे में लिखा है, टोरंटो के बारे में नहीं लिखा। केरसी अपार्टमेंट में जो एक बाथ लेता है, सुबह एक स्नान करता है, उसके बारे में बड़ा खुल के बताता है। वो बताता है कि साहब पहले वो वाटर की इमेजरी के बारे में सोचता है, फिर वो सोचता है कि मैं किस तरह से जाऊं। हालांकि बाथ टब में भी उसको पानी में जाते हुए डर लग जाता है। जैसे ही वो अंदर डूबता है उसको सोचता है कि यार मुझे ना उस बूढ़े आदमी का नाम पता करना चाहिए। जैसे ही वो तभी वो मेल बॉक्स में जाकर, क्योंकि नाम लिखा होता है अभी इस नंबर का मकान नंबर इतना, उसमें इस बंदे का ये नाम है, तभी वहाँ पर वो पोर्तुगीज वूमन बताती है कि बूढ़ा आदमी रात को मर गया। स्टोरी फिर लास्ट में एक इटैलिक पैसेज में एंड होती है। जितनी भी बातें इसके माँ बाप ने कही हैं वो स्टोरी में इटैलिक में लिखी गई हैं, टेडी लिखी गई है। उसके पेरेंट्स उसे लिखते हैं कि हमें तेरे पे बड़ा, एज ए राइटर तेरी जो तूने अचीव किया उस पर हमें बड़ा गर्व है और अब हम तेरी नई बुक के बारे में सोच रहे हैं, तेरी नई बुक कब आएगी। इस तरह से ये स्टोरी जो है वो एंड होती है। मेन करेक्टर कैरसी है और इसकी फैमिली है, इसके मदर फादर हैं जो कि फिरोजशाहबाग बॉम्बे में रहते हैं। इसके अलावा ये बार्था एक ओल्ड मैन और एक पोर्तुगीज वूमन के बारे में बताता है, अपने स्विमिंग लेसन्स के बारे में बताता है। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।